एक लवेस्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज से हम क्लास 12th की इतिहास हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को काफ़ी वेट रहा होगा, इंतजार रहा होगा इस चीज़ का, आपने काफ़ी वेट किया है। तो आज से मैं हिस्ट्री की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट बच गया था 12th का, कोशिश करूँगा, कल छुट्टी है मेरी संडे, तो कल मैं उसे कवर कर देता हूँ। और अगर कोशिश होगी कि कल ही कवर हो जाए, रह भी जाता है तो वो एक दो दिन में पूरा हो जाएगा। हिस्ट्री में दोस्तों क्या था कि जब अगर मैं आज से बनाना शुरू करता हूँ और उस तरीके से पढ़ाना शुरू करता हूँ जिस तरीके से मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई थी, एक एक टॉपिक एक एक चीज़ों को लिख कर, तो दोस्तों तीन तीन बुक है, उसे कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एक अच्छा सा आइडिया था और उस पर मैंने सोचा, और उस तरीके से मैं करता हूँ तो बहुत जल्दी सिलेबस भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो पाएगी, क्योंकि पढ़ तो आपने रखा ही होगा सब कुछ, लगभग आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो तो वो मेरी वीडियो से आपको कवर हो जाएगा। और मैं लास्ट सबसे पहले देखो मैं किस तरीके से वीडियो बताऊँगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा कि मैंने लास्ट 10 ईयर 8 से 10 सालों तक जो भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको करवा दूंगा विद सॉल्यूशन, और कैसे करना है उस तरीके को भी बता दूंगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप उसको पढ़ लोगे, समझ जाओगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, तो हो ही जाएगा। और आपको पता ही होगा कि अगर आप पिछले 5-7 साल के पेपर लगातार देख लोगे ना रिपीट, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई सेम ही क्वेश्चन होते हैं, वही घूम फिर कर हर साल, एक साल छोड़ के नहीं तो दूसरे साल, नहीं तो तीसरे साल आते ही रहते हैं। तो मतलब कोई सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है उस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बुक लेके बैठता हूँ तो भाई बहुत ज़्यादा सिलेबस है, फिर तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। एक एक चैप्टर मैंने सिर्फ कुछ दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था, थर्ड बुक का मैं पहले ही चैप्टर पढ़ रहा था, मुझे लगा भाई कितना बड़ा चैप्टर है, बहुत मुश्किल है कर पाना। तो अब मैं कैसे करवाऊँगा आपको बता देता हूँ कि हमारे इस वीडियो में दो क्वेश्चन, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। उन 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, 2 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के, और 1 क्वेश्चन होगा 8 नंबर का। उन क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना है एग्जाम में, उसकी हेडिंग अगर मुझसे बनती है तो मैं हेडिंग बना दूंगा, हेडिंग अगर नहीं बन पाई किसी क्वेश्चन की तो मैं पॉइंट में बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारा तरीका है हमारा। और एक क्वेश्चन अगर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन आते हैं तो 10 वीडियो में 50 हो जाएंगे और 20 वीडियो में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मैं 20 वीडियो बना देता हूँ तो आपको 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 100 क्वेश्चन होने का मतलब है कि आपका पूरा सिलेबस लगभग हर तरह से आपका पूरा सिलेबस हो ही जाएगा। और क्वेश्चन आएंगे वहीं से, बिल्कुल वही क्वेश्चन आएंगे जो सारे उन 100 क्वेश्चन में से, देख लेना 100% कह रहा हूँ, 70 से 80% तो आपका पेपर वहीं हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बात आती है मैप की, तो मैं आपको बीच में क्या करूँगा, मैप की थोड़ी थोड़ी नॉलेज देता रहूँगा, जिससे आपका इन 20 सेट होने से पहले आप मैप भी साथ के साथ कंप्लीट होते जाएंगे हमारे। तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैं ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं कैसे बताना चाह रहा था ये सारी है। कल छुट्टी है, कल कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियो ले आऊँ हिस्ट्री की, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ एक टॉपिक बता रहा हूँ आपको, गुरु नानक, क्योंकि अभी मैंने बुक खोली और बुक में सबसे पहले वही वाला पेज खुला तो मैंने उसी पे बना दिया वीडियो। तो ये था बाबा गुरु नानक देव जी के बारे, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। और तो आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है कि टॉपिक है हमारा बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द, ये हेडिंग है आपके एनसीईआरटी की बुक से। इनका 1469 में इनका जन्म हुआ था, 1469 में, एंड 39 में 1539 में क्या हो गया था, इनकी मौत हो गई थी। तो इसके बाद हम आते हैं सीधा टॉपिक पे। तो आपको आज मैं टॉपिक जो बता रहा हूँ आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैंने लिखा कैसे है, ठीक है, देख चुके होंगे आप। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, तो आप फिर ये सोचोगे कि जब ऐसा नहीं लिखना है बिल्कुल भी एग्जाम में तो क्यों ऐसे लिखा है। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से आपको टॉपिक पढ़ के समझा दूंगा, एक एक बात बता दूंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। लेकिन लिखना कैसे है, तो कल मैं इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन कल जब मैं वीडियो में अपनी कवर करूंगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे मैंने टॉपर वाले वीडियो में बताया था, उन सारी बातों को ध्यान रखते हुए कवर करूंगा, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आज ये क्वेश्चन कैसे लिखा दिख रहा है और कल यही क्वेश्चन लिखा हुआ कैसे दिखेगा। मैंने, अगर आपको याद है, टॉपर वाली वीडियो में बताया था फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो देखो अब इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लो और कल की वीडियो में देखना इसे कितना खूब, कितने अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बाबा गुरु नानक जी के बारे में पढ़ रहे हैं। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो हिंदू परिवार में हुआ था,
ठीक है, व्यापारी परिवार में, यानी इनका जो परिवार था वो व्यापार से में लगा हुआ था, यानी व्यापार से उनका घर चलता था, उनकी जो जीविका थी वो व्यापार व्यापार थी। और जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? पंजाब में हुआ था, ननकाना गांव जो कि रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो इतना डीपली हमें वैसे याद नहीं रखना कि रावी नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, मोटा मोटा हम ये याद रख सकते हैं पंजाब में हुआ था, ननकाना गांव में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भविष्य में अगर आप किसी कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी करोगे 12वीं के बाद, या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, या यूपीएससी में, या किसी बड़े लेवल पर जाते हो, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि रावी नदी के किनारे हुआ था, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत क्या होती हैं, जरूरी होती है। लेकिन आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए ये इतनी छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट लिखना है और आप बड़ी बातें लिख सकते हो। इसके बाद है कि उनका जो विवाह हुआ था वो बहुत ही छोटी आयु में हो गया था। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था दोस्तों, उस जो विवाह वगैरह होते थे वो कम आयु में ही हो जाते थे। वो तो अब जो है हमारे देश में संविधान में एक आयु निर्धारित कर दी गई है कि 18 साल होनी चाहिए लड़कियों की, लड़कों की 21 साल होनी चाहिए, वरना उस टाइम पे कोई इस तरीके से आयु निर्धारित नहीं थी। अक्सर क्या होता था, 14 साल 15 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। तो अधिकतर समय जो उनका जो समय बीतता था वो सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। ठीक है, तो ये आसान है सब कुछ। आगे आते हैं, गुरु नानक जी जो थे उनके संदेश उनके भजनों और गीतों में निहित है, यानी हम उनके भजन और गीत को सुनते हैं तो उन भजनों और गीतों के द्वारा ही हमें उनकी बातें, उनके संगे जो संदेश हैं वो मिल जाती हैं। निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था, सगुण और निर्गुण जो भी आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, वो जिसमें मूर्ति वगैरह नहीं, मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होती है, वो सब होती है। धार्मिक आडंबर, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई तरह की धार्मिक गतिविधियां होती हैं धर्मों के अकॉर्डिंग, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से, जैसे किसी में हिंदू धर्म में इसमें यज्ञ किया जाता है, मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक है, कठोर तप है कहीं पे, तो अलग अलग तरीके से सभी भाई पूजा पाठ करते हैं। इन्होंने इन्हीं सभी धार्मिक आडंबरों को अस्वीकार किया, इन्होंने ये सारी चीज़ें गलत बताई। हिंदू मुस्लिम जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे हिंदुओं का हमारी भगवद गीता है, मुस्लिम धर्म में हम बात करें कुरान शरीफ वगैरह जो है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये इन धर्म ग्रंथ जो है इनको अस्वीकार किया, और परम पूर्ण इन्होंने ये कहा कि परम पूर्ण जो रब है इनका, जो मतलब भगवान है, जो ईश्वर है, ठीक है, जिसकी पूजा करते हैं रब, इनका इन्होंने ये कहा कि इनका कोई ना तो लिंग है और ना ही इनका कोई आकार है। ठीक है, उपासना का जो तरीका था, यानी पूजा पाठ करें तो कैसे करें, भाई सभी धर्मों में अपने अलग अलग तरीके से पूजा पाठ होती है, तो पूजा पाठ करने का इनका तरीका देखो क्या है, इन्होंने उपासना का एक सरल उपाय बताया, बहुत ही सिंपल सा, और ये क्या है, जैसे जाप करना और स्मरण करना। दोस्तों ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनके इस धर्म की, कि जाप करना स्मरण करना ये हमारी तरह नहीं, कि हमारे जैसे हमारे हिंदू धर्मों में ये जगराते वगैरह होते हैं, माइक पे इतनी तेज गाने वगैरह बजा देते हैं, अगल बगल के लोग तो सो ही नहीं सकते, कहीं मंदिर है तो दिन रात घंटा ही बजता रहेगा, टन 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 टन, तो यही चलता रहता, तो ये सब कहीं ना कहीं ढोंग ढपास है और एक आडंबर है। ठीक है, तो और जैसे मुस्लिम धर्म में हम देखें तो वो अजान वगैरह होती है, तो उससे भी कहीं ऐसा हो सकता है डिस्टर्बेंस, तो इस तरीके से भाई इनका ये जो तरीका था ये काफ़ी बेटर था। जाप करना, जाप करने में हम कहीं पे भी बैठ जाते हैं और जाप कर सकते हैं, अपने भगवान को याद कर सकते हैं। स्मरण करना यानी उनको, उनके बारे में उनको सोचना, उनके बारे में, ठीक है, ये पूजा पाठ इनका अलग तरीका था। सभी धर्मों में भाई अपने 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 भगवान की पूजा करने के लिए अलग तरीके होते हैं, और सभी में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ भी मिल जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये हम ही ने तो बनाई हैं, ये कोई भगवान थोड़ी ना बना गए हैं, ये कहीं ना कहीं आडंबर जो है हमने बनाए। सभी धर्म जो है वो अच्छा ही सिखाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी कमियाँ होती हैं। आगे देखते हैं, अपने विचार जो थे इनके वो पंजाबी भाषा में रखे, पंजाब से थे जाहिर सी बात है कि पंजाबी भाषा में होगा। नानक जी ने क्या करा, इनके जो अनुयायी थे, अनुयायियों को एक जो भी इनको मानने वाले थे उनका एक समुदाय संगठित कर लिया, यानी ग्रुप बना लिया कि ये सारे भाई हमारे समुदाय में आ जाएंगे। नानक जी की जब मौत हो गई थी ना, उसके बाद उनके अनुयायियों ने अपने व्यवहार को सुगठित करा, अपने आचार व्यवहार को सुगठित करा, बदला, और अपने आप को इन्होंने क्या करा, हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग दिखाना चाहा, कि ये कहते थे भाई ना तो हम हिंदू हैं ना ही हम मुस्लिम हैं, एक अलग ही, ठीक है। और पांचवें गुरु जो थे इसमें, गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने बाबा गुरु नानक, उनके चार उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास, कबीर जी,
इनकी बाणी को, इन्होंने जो भी कहा था इनकी बातों को एक आदि ग्रंथ साहिब में संकलित करा, यानी एक इनकी धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम था आदि ग्रंथ साहिब, उसमें इन्होंने इनके विचारों को, इनकी बातों को शामिल कर लिया। ठीक है, 10वें गुरु थे इनके गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने जो इनके 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी रचनाओं को भी शामिल किया गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, बाद में से क्या कहा जाने लगा, ये जो था गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है कि सिखों के कोई गुरु थे 9वें 10वें 11वें कौन से थे, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको कमेंट में बताना है कि उन गुरु की हत्या कर दी गई थी किसी मुगल मुगल शासक के द्वारा। ठीक है, और किस लिए की गई थी ये भी बता देता हूँ दोस्तों, कि उनको इस्लाम कबूल करने की बात कही थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने नहीं कबूला तो उनकी हत्या कर दी गई थी। कुछ ऐसी ही कहानी सी थी, मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी है, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है क्योंकि जब स्कूल टाइम में पढ़ते थे तब, उसके बाद कहाँ आज तक छुआ है इसको। तो इस तरीके से, तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं उसका आंसर ढूंढ सके, और अगर आपको पता लग जाता है तो आप बता देना। ठीक है, इसके बाद क्या था, गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की नींव रखी, ये जो इनके गुरु थे 10वें गुरु 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 गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही करी थी, आपने सुना होगा खालसा पंथ के बारे में। इनके 5 प्रतीक थे, 5 प्रतीक किस तरीके से, क्योंकि आप देखोगे जो सिख धर्म के होते हैं इनके धर्म के होते हैं बिना कटे केस, इनके बाल जो होते हैं वो काफी बड़े रखते हैं, लंबे रखते हैं, कृपाण आप देखते हो कि वो चाकू सा होता है, यहाँ पे एक पट्टा सा लगा रखा होता है उन्होंने अपने शरीर पे, उसमें एक चाकू सा होता है तो वो कृपाण होता है। कच्छ, कच्छ आप जानते होगे, कच्छ कच्छा क्या बोलते हैं इसे जो भी है, तो वो उसमें आ जाएगा। कंगा, कंगा ये तो आप जानते हैं कंगी, और लोहे का एक कड़ा होना चाहिए। तो ये इनके जो क्या है 5 प्रतीक है। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक कवर किया है गुरु गोविंद सिंह का, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह और मीराबाई, और मैं यही बताना चाह रहा था कि आज मैंने इसे इस तरीके से लिखा है, और कल मैं इन्हीं सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से संकलित करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाऊंगा, वहां आप देख सकते हैं कि हम कैसे अपना इंप्रेशन बना सकते हैं, कि सेम बातें यही लिखूंगा मैं, ये नहीं होगा कि कल के क्वेश्चन में मैं कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ बढ़ा दूंगा, इन्हीं बातों को मैं अच्छे तरीके से कैसे रख सकता हूँ एग्जामिनर के सामने, कल मैं आपको ये वाली कला सिखाऊंगा। और दोस्तों ये आज से शुरुआत हो चुकी है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, टाइम कम होने की वजह से आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन लिख नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश किया है। और कल से अगर आपको अभी तक किसी बच्चे को ये लगता है कि हिस्ट्री मुश्किल है या हिस्ट्री में दिक्कत प्रॉब्लम लगती है, तो दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मैं अपनी जो बता रहा हूँ 20 वीडियो कम से कम लाऊंगा, तो 20 वीडियो में आपकी, 20 वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अपनी, ये नोट्स। हाँ एक बात और, कि प्लीज़ कोई बच्चा मुझसे इसकी पीडीएफ ना मांगे, सिंपल से 5 क्वेश्चन होंगे आप साथ के साथ नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं पीडीएफ किसी भी बच्चे को अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कमेंट करके कैसा लगा। धन्यवाद।